तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभिनव आप क्वेश्चन पढ़िए। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड secant। ठीक है अनुष्का एक बार आप भी पढ़ दीजिए। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। चलिए अब इसको हम यहां पे लिख लें। गिवन में क्या है 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड sin a। तो फाइंड में है साइन ए एंड सेक ए, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है और ये आपको गिवन में दिया गया। ठीक है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन है कि ये आपको मालूम है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि आपको या तो साइन कॉस टेन किसी एक की वैल्यू दी रहती है तो कैसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी। इसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, 15 को इधर ले आके रख दिया। अरे 15 को उधर भेज दो, कोई दिक्कत थोड़ो है, रेशियो में दिखने लगेगा। दिस इंप्लाइज यू मे राइट कॉट ए कितना हो जाएगा 8/15। उसने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिया, लिख दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर इसको कैसे लगाएंगे। अब तो क्लियर है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दिया, अदर टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चन आए कि ऑप्शंस दिए गए कौन सा करेक्ट है, तब आप लगाने का तरीका अलग होगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना हो मतलब इजी कर देंगे उसको, ठीक है ना, और अगर इसको प्रॉपर में स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना होगा तो थोड़ा सा उसमें वेरिएबल एक लगा लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर चलिए कॉट ए कैसे लगाते हैं, ध्यान से कॉट ए का फार्मूला याद है आपको, रेशियो में बताना है क्या होता होगा, P upon H साइन का होता है, कॉट का नहीं होता है सर। कॉट लास्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। चलिए आप बताइए क्या होगा, B upon P होगा। तो इसको आप लिख दिए B upon P लिख दिया। अब एक ट्रायंगल आप बना लीजिए पहले, तभी तो आप डिसाइड करेंगे। एक ट्रायंगल आप बना लीजिए 90 डिग्री। अब इसमें ए देख रहे हो ना, एंगल, तो हम यहां अपनी उसके लिए ए लिख देंगे ए। अब बाकी चीजें आप अपने हिसाब से बी सी के लिए कुछ भी आप लिख सकते हैं। ए आपका यहां पर हमने लिख दिया, ए यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंगल आपको मालूम है जिसको आप थीटा कहते हैं, यहां पर ए है। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी सी होगा, यहां देखिए, और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही, और ये बेस हो जाएगा। जरा देख लीजिए जो मैंने समझाया था उसी हिसाब से है। जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ए है, ए के सामने परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने हुआ, बचा हुआ बेस हुआ। क्लियर है, ठीक बेटा। अब हम इसको क्वेश्चन को बता रहे हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शनल रहेगा तो हम इसमें जो रेशियो दिया उसी की वैल्यू को डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है ना। पता है कि हमको एक ही नंबर के लिए है तो उसको मतलब कोई वेरिएबल उसके साथ नहीं लगाएंगे। तो देखो अब यहां पर परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला ये क्या आपका है, ये 8 क्या है बेस है और 15 क्या है परपेंडिकुलर है, और यहां परपेंडिकुलर बेस डिसाइड है। तो हम क्या लिखते हैं, वैसे हमको लिखना चाहिए 8k, लेकिन अब हम इसको शॉर्टकट में लगाना है केवल आंसर निकालना है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं 8 केवल। बेस का क्या हो गया 8 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। वैसे रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, उसके साथ एक वेरिएबल एज्यूम करना होता है, लेकिन हमको केवल यहाँ आंसर से मतलब है, उसके कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता यहाँ। अब हाइपोटेनस एसी आपको कैलकुलेट करना है पाइथागोरस थ्योरम, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। और ए बी की वैल्यू देखिए क्या है 8 का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 + 225। ऐड करके बताइए कितना हुआ 289 और 289 एक कंप्लीट स्क्वायर है ना,
सो दिस इंप्लाइज एसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एसी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 17. अब आप यहाँ पे लिख सकते हो 17. अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई. और एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये रेशियो में हम बी इक्वल टू एट डायरेक्ट नहीं ले सकते, एट के ले सकते हैं, एट एक्स लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको एक नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमको बिना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं. स्टेप तो हमारे नहीं सही है, ठीक है ना. तो अगर हमको ये दो तीन नंबर के लिए सॉल्व करना होगा तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट बी इक्वल टू एट के एंड पी इक्वल टू 15 के, देन यू विल गेट हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 17 के, और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे. आगे बढ़ जाए. अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन ए और दूसरा चाहिए सेक, लिख दे रहा हूं, ठीक है. अब साइन ए, साइन ए का फार्मूला सुहानी, साइन ए इक्वल टू कितना होगा पी अपॉन एच. वेरी गुड, पी अपॉन एच. और यहां से परपेंडिकुलर ढूंढिए कितना है 15 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 17. ये आपका हो गया आंसर. सेक ए का फार्मूला ढूंढिए एच अपॉन बी. कॉस का रेसिप्रोकल है, किसी को कॉस का याद है बी अपॉन एच, तो यहां पर लिख देगा एच अपॉन बी. हाइपोटेन्यूस 17 है और बी 8 है, तो ये आपका हो गया 17 बाई ए आंसर. इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. डाउट? अच्छा, और एक चीज यहीं पर और क्लियर कर दूं थोड़ा सा, कि जब आपको एक नंबर ये केवल आपको आंसर ढूंढना हो तो उसके लिए अगर एक्चुअल में इस क्वेश्चन को लगाना हो तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लगाएंगे लेट, यहाँ पे क्या था बेस इक्वल टू बी इक्वल टू कितना 8k एंड p इक्वल टू 15k. ध्यान से देख लो, k लगा देंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है. अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 8k और 15k, ठीक है. अब इसको हम जब ac कैलकुलेट करेंगे देन ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, तो ab की वैल्यू क्या लिखेंगे, ab की वैल्यू ध्यान देखो 8k का होल स्क्वायर प्लस bc की वैल्यू 15k का होल स्क्वायर, और इस तरीके से हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, और यह आ जाएगा आपका 289k स्क्वायर, देन ac इक्वल टू 17k आ जाएगा. तो जहां पर हमारा 17 था यहां पे k लगा दिया. दोनों सॉल्यूशन देख लो, दो तरीके बता देते हैं. अब ये 17 बाकी चीजें अगर आपको यहाँ सॉल्व करते तो जहां 15 था वहां 15 के आता, और जहां 17 था वहां 17 के आता, कैंसिल होकर के आंसर आपको 15/17 ही मिलता, ठीक है ना. लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और आपको ऑप्शनल क्वेश्चन एक नंबर का है तो इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते बिना के लगाए, ठीक है ना. एनी डाउट? दोनों चीजें समझ गए? वेल डन. अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि जो भी हम रेशियो लेते हैं रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है, वो रेशियो दोनों को कंपेयर करके लिखा होता है. ओके.